एम रश्मी वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स जैसे की आपने समझ ही लिया होगा ये वीडियो होने वाला एक रिव्यू वीडियो और इसमें मैं रिव्यू करूंगी बाय मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर का गाय जो मॉइस्चराइजेशन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सी रूटीन का सी टी एम मीन क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्राइजेशन स्किन टाइप कोई भी हो इट ड मैटर मॉइस्चराइजेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्किन टाइप एंड इफ यू आर सीकिंग अ गुड मॉइस्चराइजर देन दिस वीडियो कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू

सो so फ्रेंड्स अगर आपका स्किन टाइप कोई भी है मीन्स ऑयली ड्राई नॉर्मल या फिर सेंसिटिव स्किन टाइप तो उन सबके लिए ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ट्राई कर लिया है एंड माय स्किन टाइप इज़ ऑयली एंड सेंसिटिव तो मैं थोड़ा स्केयर्ड फील कर रही थी क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो क्या ये मॉइस्चराइजर मुझे सूट करेगा या नहीं तो आफ्टर यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर मैं कहूँगी इट्स वेरी सूदिंग मॉइस्चराइज़र ये इसका पैकेजिंग है ये इसका आउटर कार्टन है जिसमें ये मॉइस्चराइज़र मिला था ये इसका जो प्राइस है वो है टू नाइनटी नाइन रुपीज़ फॉर वन नाइनटी एम एल फ्रेंड्स ये मॉइस्चराइज़र क्लेम करता है कि एक नोटिसबल एक विजिबिली डिफ्रेंस आपको अपने स्किन टेक्स्चर में मिलेगा और फ्रेंड्स ये जो मॉइस्चराइज़र है वो हंड्रेड परसेंट बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है ऐसे ही क्लेम करते हैं फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर दे रखा है फॉर सी टी एम रूटीन इन्होंने बताया है पहले हमें क्लेंस करना है अपने फेस को विथ बायो मॉर्निंग नैक्टो विजिबली फ्लॉलेस फेस वॉश देन रेपलेनिश करना है विथ बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस सीरम देन नरिश करना है विद मॉइस्चराइजर एंड इफ नीड इट यू कैन अप्लाई सनस्क्रीन ऑल्सो अब हम बात करेंगे इसके इन्ग्रीडियंट्स की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो फ्रेंड्स ये बना हुआ है विथ गेहूं सीड कुमारीफ पल्प मधु बाद सीड ऑयल मूंगफली सीड ऑयल कुसुम्बी सीड ऑइल एंड प्योरिफाइड वाटर एंड इस पर ये इन्होंने एक नोट लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इट हैज थेपेटिक प्रॉपर्टीज साथ ही इन्होंने ये भी मैंशन किया हुआ है कि ये एक ऑर्गेनिकली प्योर एंड प्रिजर्वेटिव फ्री फॉर्मूला है एंड इट इज डरमेटोलॉजिस्ट टेस्टेड फॉर सेफ्टी एंड नो एनिमल टेस्टिंग जो इसकी बहुत ही बेहतर बात है फ्रेंड्स जब बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की तो कुछ इस तरह से इसका कैप होता है वो हमें रिमूव करना होता है दैन इसे अप्लाई करने के लिए हम इसे अपने हैंड पर लेते हैं और इसकी जो अच्छा पॉइंट नहीं लगता है मुझे जो बहुत ही मेजर पॉइंट भी है कि जब हम इसे बाहर निकालते हैं मॉइस्चराइज़र को तो हमें काफ़ी इसे पुश करना होता है काफ़ी देर तक हमें वेट करना होता है मॉइस्चराइज़र के बाहर आने के लिए तो ये मुझे इसका अच्छा पॉइंट नहीं लगता है और ये देखिए कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर है टेक्सचर काफ़ी क्रीमी है एंड ये वाइट कलर का लोशन होता है और ये मैं नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा स्टिकी है ये मीडियम कंसिस्टेंसी का है थोड़ा सा स्टिकी है बट बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आपकी विंटर सीजन के लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है एंड इफ़ यू हैव ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन तो आप इसे किसी भी सीजन में यूज़ कर सकते हैं आपको क्वांटिटी है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेनी है और इसमें से एक प्यारी सी माइल्ड फ्रेगरेंस भी आती है और अगर आपको माइल्ड फ्रेगरेंस पसंद है तो भी ये लोशन आपको अच्छा लगेगा एंड आपको फ्रेगरेंस बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो प्लीज़ इस लोशन को चूज़ मत करिएगा तो फ्रेंड्स ये था ओवरऑल इसका रिव्यू इस मॉइस्चराइज़र का रिव्यू जो मैंने एक्सपीरियंस किया सो या फ्रेंड्स फाइनल वर्ड्स मेरे ये हैं कि बहुत ही अच्छा लोशन है फॉर